नमस्कार विद्यार्थियों, फाइनली आज आपका मैथमेटिक्स का पेपर खत्म हो गया है और आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि जो 20 MCQ थे उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। कुछ तो आपके वैसे ही सही हो रहे हैं जो आपने सही किए हैं, लेकिन कुछ जगह आपने तुक्का लगाया है, तो आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आपके कितने सही हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ तो सिर्फ जानना ही नहीं चाह रहे होंगे, वो कैसे आया ये भी जानना चाह रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू को डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन एक बात पहले और बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनाती है, तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग क्वेश्चन पेपर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे उसमें हमारा क्वेश्चन पेपर कोड रहेगा 65/3/1। बाकी के क्वेश्चन पेपर कोड कोड वाले जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद में। तो शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, तो जिसका भी इससे कोड मैच कर रहा है वो ये वीडियो देख सकता है, और जिसका नहीं भी मैच कर रहा है वो भी देख सकता है, क्योंकि कुछ एमसीक्यू तो आपके सिमिलर से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखी है जो सिमेट्रिक है। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स आपके पास यहाँ पे, वाई आपके पास यहाँ पे, जेड आपके पास यहाँ पे। तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 4 x z 2 y -3 -1 3। और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगी क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इसके इक्वल कर देता हूं। और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो यहां से एक्स का वैल्यू आ रहा -3, वाई का वैल्यू आ रहा -1 और जेड का वैल्यू आ रहा 4। आपको पूछा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर आपके पास आएगा 0। तो क्वेश्चन वन का आंसर है आपके पास 0। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, इफ ए एंड एडजॉइंट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये मैट्रिक्स आ रही है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन ये मैट्रिक्स आ रही है, और इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं 3i, इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ 3i। और यहां से पता चल रहा है कि ए का इन्वर्स कितना होगा, ए का इन्वर्स होगा 1/3 एडजॉइंट ऑफ ए। ये 3 को आप इधर डिवाइड करेंगे तो 1/3 यहां आ जाएगा, यहां से 3 हटा लीजिए। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ए इन्वर्स होगा 1/3 एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ए इनवर्स का एक फॉर्मूला हमें पता है, वो ये होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है इसका मतलब ये वाला पार्ट भी सेम होना चाहिए। और यहां से पता चल रहा है कि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 3 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 3 है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 3 है तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आपके पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन, वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ए का ऑर्डर कितना है 3, तो ए 3 - 1, तो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 9, तो 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज सिमेट्रिक इफ, इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होती है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए, और सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी है, उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के इक्वल होना है। मतलब एक मैट्रिक्स अगर आपके पास सिमेट्रिक होगी तो वो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, और एक मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो ए और बी आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A
एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी। तो ए बी आपके पास सिमेट्रिक होगा, मतलब ए बी का आप ट्रांसपोज निकालिए, तो इनका ट्रांसपोज किस ऑर्डर में निकलेगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। और बी ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है, और ये माइनस ए के इक्वल है, और ये आपके पास आगे बी है। और अगर ए बी सिमेट्रिक है तो आंसर ए बी आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है ए बी, बी आ रहा है तो आंसर ए बी आना चाहिए, तो ये बी ए बी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू रूट थ्री आई वेर ए इक्वल्स टू दिस। तो ये और इसके ट्रांसपोज को एड करना है और रूट थ्री आई आएगा और हमें वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ए आपके पास है ही, इसका ट्रांसपोज आप इसमें ऐड करिए, इसका ट्रांसपोज क्या करिए, इसमें ऐड करिए और उसको रूट थ्री आई के इक्वल हमें करना है। तो ये कॉस एक्स, इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा टू कॉस एक्स, यहां आ जाएगा जीरो, यहां आ जाएगा जीरो, टू कॉस एक्स, और ये रूट थ्री आई के इक्वल है, मतलब रूट थ्री आई क्या होगा, रूट थ्री 1001। तो इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री आ जाएगा, इसका मतलब टू कॉस एक्स आपके पास किसके इक्वल होगा, रूट थ्री के इक्वल होगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट थ्री बाई टू, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई सिक्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर है पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे ये, और ये कई बच्चे गलत करके आए होंगे, लेकिन एक चीज इसने ये किया है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी 2a नहीं दे रखा है ना, प्लस माइनस a दे रखा है, प्लस माइनस 2a दे रखा है, प्लस माइनस a by 2 दे रखा है और a square दे रखा है। इस वजह से ये कई बच्चों का आंसर सही हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे 2a दे दिया जाता तो कई बच्चों का ये आंसर गलत हो जाता। कैसे होता, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, अगर ये वर्टिसेस हमें दे रखे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री और 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन कई बार ये नेगेटिव आ जाता है तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस का यूज करते हैं, ये एक्चुअल में ये एरिया। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये पहले मॉडुलस हटाना पड़ेगा, और जब भी हम मॉडुलस हटाते हैं तो इक्वेशन के दूसरे साइड प्लस माइनस लगाना पड़ता है, जैसे स्क्वायर में हटाते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/2 अगर मैं मॉडुलस हटाता हूं तो एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए। अब 2 को आप इधर लेके आओ तो ये प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कई बच्चे मॉडुलस नहीं लगाते हैं, तो अगर जो बच्चे मॉडुलस नहीं लगाते तो उनका आंसर आता है 2a, और 2a अच्छी बात यह है कि 2a ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज बच्चे वो टिक कर लेते हैं और गलत हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने ये सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 पावर x प्लस 2, इसको कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए a पावर x। तो a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पावर x log a n प्लस c। तो यहां पर a की जगह 2 है, x की जगह x प्लस 2, x किससे रिप्लेस हो रहा है, x प्लस 2 से। तो इसका आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो a, a मतलब 2, x, x की जगह है x प्लस 2 और log a, तो log 2 प्लस c। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको c। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2x 2 पावर 2, 2 पावर 2 को बाहर निकालिए 4, और 2 पावर x का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए तो 2 पावर x का हो जाएगा 2 पावर x log 2 c। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलता, ये ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आप क्या करते, इसको 2 पावर 2 लिख देते और फिर बेस सेम होकर पावर 8 हो जाता, तो आंसर आपका c ही आता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। तो देखते हैं पीछे वाले में ऑप्शन बी था, बी था, सी था, ए था और डी था।
तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ सी सी या फिर बी बी जैसे तुक्का लगाया तो काम बनने वाला नहीं है। यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन एक तरीका बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि जब इंटीग्रेशन आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप ऑप्शन का डेरिवेटिव निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें उस तरीके से चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेशन फिर किस तरीके से होगा? पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 2 sin x। तो मैं cos 2x को रिप्लेस करना चाहता हूँ 2 की जगह 2 cos 2x को रिप्लेस करूंगा 1 - 2 sin²x -1/(1+2) sin x है। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन फाइनली सोल्व होके क्या बन जाएगा, 1 - 4 4 sin²x। तो उसको लिख रहा हूँ 2 sin x इसका होल स्क्वायर, और इसको भी लिख दिया 1 स्क्वायर, और नीचे 1 + 2 sin x लिख दिया। अब न्यूमरेटर में a² - b² से ओपन कर रहा हूं तो 1 - 2 sin x और 1 + 2 sin x, और डिनोमिनेटर में 1 + 2 sin x है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास यही बचा है। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 + 2 sin x dx का करना है। तो 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x 2 कांस्टेंट है, sin x का हो जाएगा -cos x। यहाँ कई बच्चे गलती कर सकते हैं और गलती करने का चांस तो इसने दिया ही है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन अगर गलती करेंगे तो। लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको cos2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको राइट डायरेक्शन में अप्रोच करना है। इंटीग्रेशन में कई बार अप्रोच सही नहीं होती है तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, तो आपके अगर अप्रोच सही है तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन था और ये आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से आराम से हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो dx इसको मैं इस तरीके से करता हूं, dy y = -dx x। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए तो इधर बनेगा log y, ये माइनस बाहर निकाल दीजिए log x और +c, तो log y - log x = c। तो आपके पास देखो ये ऑप्शन वैसे मैच नहीं कर रहा है लेकिन यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको आप log x - log y रखोगे तो बेसिकली आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस c आ जाएगा, विच इज अगेन ए न्यू कॉन्स्टेंट c। तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो कि पूछा जाना तय था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट पूछा गया। तो पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, फिर हम डिग्री निकालेंगे और उनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, और क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर एक जगह डेरिवेटिव यहाँ पे किया गया, एक यहाँ पे किया गया, या 2 टाइम किया गया या 1 टाइम किया गया, तो हाईएस्ट कौन सा, 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब डिग्री देखेंगे तो डिग्री कई बार डिफाइन होती है, नहीं भी होती है, तो इस केस में आपके पास डिग्री डिफाइन होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस कॉस वाई है। कई बच्चे इसको कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, नहीं, इस वाई के जी अगर डिफरेंशियल होता, डेरिवेटिव होता किसी भी ऑर्डर का तो डिफाइन नहीं होता, फिलहाल इस केस में डिफाइन है। और क्या होगा, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसका पावर कितना है, विच इज 1, तो इसका डिग्री आपके पास 1 है, तो ऑर्डर और डिग्री का मल्टीप्लीकेशन आपके पास कितना हो जाएगा, 2। करेक्ट आंसर इज बी। तो देखा जाए तो बी काफी काफी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। कई बच्चे इसमें नॉट डिफाइन करने के चांसेस है, लेकिन आपको नॉट डिफाइन नहीं करना था, आपको करना है बी, विच इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन द एंगल विच इट मैक्स विद पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये हमें निकालना है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो बना था उसको अल्फा लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू है π/4, बीटा की वैल्यू भी वही है क्योंकि वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा बोलते हैं, तो π/4। गामा हमको निकालना है जो जेड एक्सिस के साथ बनाता है,
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। तो ये कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। कॉस पाई बाय 4 अगेन 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों मिला के 1 बनते हैं, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कॉस कॉस गामा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0, और गामा की वैल्यू 0 किस पर होता है, पाई बाई 2 पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कई बच्चे पाई बाई 4 भी करके आए होंगे कई, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपके पास पाई बाई 2 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज जीरो। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, छाया होती है। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर छाया होती है, तो प्रोजेक्शन जीरो है, तो इसी तरीके से होगा, तभी तो जीरो प्रोजेक्शन आएगा। या हम टॉर्च डालेंगे तो छाया कहीं नहीं बनेगी, मतलब प्रोजेक्शन जीरो होगा, तो ऑफकोर्स एंगल आपके पास 90 डिग्री आएगा। तो आंसर पाई बाई 2, आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इट इज जीरो। इफ इट इज जीरो देन न्यूमरेटर मस्ट बी जीरो। इफ न्यूमरेटर इज जीरो, इफ न्यूमरेटर इज जीरो दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 2। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी वेक्टर इज आई प्लस जे प्लस 2 के एंड ए सी वेक्टर इज 3 आई के माइनस जे के प्लस 4 के। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी देन वेक्टर ए डी इज इक्वल्स टू। तो एक ट्राइंगल बना रहे हम, और ट्राइंगल को ट्राइंगल का वर्टेक्स से हम ओरिजिन ले रहे हैं। ठीक है, किसी और पॉइंट को भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान आपके पास यही वाला बनेगा, यहीं से बनेगा। तो इसमें ए बी वेक्टर दे रखा, तो इसका मतलब बी पॉइंट होगा, और ए सी वेक्टर दे रखा, इसका मतलब सी बनेगा। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स क्या होंगे, ए बी और सी। तो ए बी वेक्टर आपके पास क्या है, आई प्लस जे प्लस 2 के, और ए सी वेक्टर आपके पास क्या है, 3i के माइनस जे के प्लस 4 के, और बी सी का मिड पॉइंट है डी, पर आपको निकालना है ए डी। तो ए डी वेक्टर आप निकालेंगे, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर आपके पास ये ओरिजिन आप ले रहे हैं तो 1,1,2। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,-1,4। तो डी आपके पास बी और सी का मिड पॉइंट है, तो 1 + 3 मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 3/2, 1 + -1/2, 2 + 4/2। तो 4/2 विच इज 2, दिस इज 0, एंड 6/2 विच इज 3। इसका मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0, 3। तो ये आपके पास पॉइंट डी आ गया। अब ये आपके पास ओरिजिन है, तो वेक्टर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2i के प्लस 0j के प्लस 3k के। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सेक्शन फॉर्मूला जो वेक्टर में यूज होता है उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल जो 3D में यूज होता है उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने 3D का यूज किया है, लेकिन वो भी वेक्टर जैसा ही होता है, तो वेक्टर के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो यहीं से निकल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, माई फेवरेट क्वेश्चन, फॉर विच द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज पाई बाई 2। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, द फर्स्ट लाइन इज आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा सॉरी पी, एंड इट इज 2i के प्लस j के प्लस 2 के के। सेकेंड लाइन आपके पास क्या है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो दिस इज आई के, दिस इज जे के एंड के एंड क्यू, क्यू के साथ क्या क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू आई, तो क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो आई के,
यहां पर आएगा लैम्डा क्यू जे, क्यू हमने कॉमन ले लिया तो लैम्डा जे के और क्यू के, क्यू कॉमन ले लिया तो के बचेगा। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो इन दो वेक्टर के बीच में बनेगा, और 90 डिग्री का बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो B1 डॉट B2 इक्वल्स टू जीरो, जीरो करिए आप, परपेंडिकुलर है इसलिए जीरो होगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू लेमडा प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू जीरो, सो लेमडा इक्वल्स टू 2 2 -4, लेमडा इक्वल्स टू -4। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ सेकेंड लाइन को प्रॉपरली थोड़ा मॉडिफाई करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिस, पी ए नॉट इक्वल टू 3/4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी बाई ए। सो पी बी बाई ए कितना होगा आपके पास, पहले इसको ओपन कर लीजिए, ये आपके पास होगा पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बी इंटरसेक्शन ए को आप लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पी ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 - P A बार विच इज 1 - P A बार विच इज ए नॉट इज गिवन 3/4, सो दिस इज 1/4। सो पुट द वैल्यूज, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/8, ये कितना है 1/4, सो दिस इज 4/8 एंड आंसर इज 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1/2, वेरी इजी क्वेश्चन, सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियबल, ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये क्या डिफरेंशियबल, अगर कॉन्टिन्यूस होता मैं शॉर्ट ट्रिक क्या बताता हूं, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो ये वैल्यू इसमें पुट करो, ये इसमें पुट करो, दोनों इक्वल करो, अगर कॉन्टिन्यूस होता तो हम क्या करते, 0² इक्वल टू k × 0, तो ये तो सारे k के लिए ट्रू होता है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशियबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब आपको इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया 2x, ये क्या आ गया k। अब डिफरेंशियबल अगर 0 पर है तो ये दोनों आपके पास इक्वल होना पड़ेगा, किस पॉइंट पे इक्वल होना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो 0 इसमें पुट करो 2 × 0, और इसमें भी एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, तो यहाँ कहीं एक्स सही नहीं है, तो के इक्वल टू कितना आ गया 0। सो फॉर के इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 0। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन कई बच्चे इसको गलत कर लिए होंगे क्योंकि वो कंटिन्यूस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फॉर एनी रियल नंबर आएगा, अगर कंटिन्यूस पूछा जाता तो फॉर एनी रियल नंबर, लेकिन डिफरेंशियबल पूछा गया तो के इक्वल्स टू 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स देन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था है। ये एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट करना है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना फिर डिफरेंशिएट करना। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन आपने कहीं सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल किया है, चैप्टर 2 में ऐसे एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई करते हो, कैसे करते हो, इसको कॉस एक्स एक्स से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहां मैंने कॉस एक्स एक्स से डिवाइड किया और यहां पर भी मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया, तो कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा 1 - sin x / cos x बन जाएगा 10x, और इसी तरीके से ये बन जाएगा 1 + tan x। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करिए, 1 को लिखिए 10π/4, इसको लिखिए -10x, इसको लिखिए 1 और यहाँ पे 10π/4 लिख दीजिए 10x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 10a - b, a की जगह 5/4, b की जगह x, तो एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 10π/4 - x।
अब इसका इसको डिफरेंशिएट करना, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, लेकिन इसका और करना पड़ेगा इनटू पाई बाय 4 का आएगा 0 माइनस एक्स का वर्ग, सो माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस sec स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। कई बच्चे ठीक से सॉल्व भी किए होंगे लेकिन ऑप्शन बी लगा दिए होंगे, माइनस का ध्यान रहा नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको आराम से करनी ताकि ऑप्शन आपका सही जाए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जिस तरीके से गलत कर सकता है वो ऑप्शन बी क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। अगर स्टूडेंट गलत करेगा और जो स्टूडेंट का आंसर आ रहा है वो उसको ऑप्शन में दिखेगा तो तुरंत टिक करेगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें आराम से करना है लेकिन करेक्ट करना है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 पता नहीं पेपर किसने बनाया, पेपर बहुत अच्छा बनाया लेकिन एक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि वो एमसीक्यू में होना चाहिए लेकिन एमसीक्यू में है। तो इसको मैंने सॉल्व करेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक एलपीपी लेयर के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जैसा अपना सिंपल प्रोसेस होता है कि इस लाइन को इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, दूसरी लाइन का बॉक्स बनाते हैं, उनको प्लॉट करते हैं। तो इन दोनों लाइन को मैंने प्लॉट किया, फिर ओरिजिन पुट करके हम चेक करते हैं कि टुवर्ड्स ओरिजिन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो दोनों में टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। तो इस तरीके से इसका एरिया ये आ गया। एरिया आने के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने, तो इसके चार कॉर्नर पॉइंट है, इसके चार कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, एक 0 0 और एक 4 0 और एक 0 5। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। तो मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी। आप कॉर्नर पॉइंट पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 0 5 पर आएगी 150, इस पॉइंट पर आएगी 150, बाकी दो पॉइंट पर 150 से कम आएगी। एक 0 0 यहाँ विजिबल नहीं है तो दूसरा भी 0 0 है, तो 150 दो पॉइंट पर आपके पास बराबर आ रही है, मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बराबर आ रही है। तो जब किसी एलपीपी के दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो उस एलपीपी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा एक थ्योरम है। और वो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन मिले तो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होता है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट नॉट टू। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, तो 3 नंबर में पूछा जाना चाहिए लेकिन 1 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को लग सकता है कि डिफिकल्ट है लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो इसने क्या कर रखा है, फिजिबल रीजन बना रखा है, ये फिजिबल रीजन बना रखा है। तो ये बोल रहा है कि कौन से कंस्ट्रेंट का ये फिजिबल रीजन है, तो देख के एक एक करके हम इसको ऑप्शन को एक्सक्लूड करेंगे। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है भाई, अगर लाइन आपका ये है तो इसमें भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है, लाइन अगर ये है तो इसमें भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर 0 + 0 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये कंस्टेंट ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें पुट करोगे 0 + 0 < 3 विच इज ट्रू, और ट्रू होते ही टुवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए था, मतलब x + y < 3 का सॉल्यूशन इस तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये इसकी वजह से आपके पास ये ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट वाला, इन दोनों की वजह से दोनों ही ऑप्शन आपके पास कैसे हैं, ये टुवर्ड्स ओरिजिन के हैं और टुवर्ड्स ओरिजिन की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कौन से हैं, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन के, ये भी आपके पास अवे फ्रॉम ओरिजिन के, इसका मतलब सी और डी में मुकाबला रहा, दो ही ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें x < 0 है। x < 0 मतलब क्या है, ये वाला क्वाड्रेंट या फिर ये वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट तो है ही नहीं लेकिन सॉल्यूशन तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट को मैच करने वाले ये कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 18 में आपके पास सी ऑप्शन मिलेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जाना चाहिए और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बच्चे इसको मोस्टली बच्चे इसको किए होंगे सही से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन रीजन क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है,
तो हम डिस्कस करते हैं रेंज। साइन इनवर्स एक्स प्लस टू कोस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई है, तो ये सही है कि नहीं ये देखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है हमारे पास जो आउटपुट निकलता है, तो आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आउटपुट एंगल होता है, और इसमें एंगल आता है -π/2 से लेके π/2 तक, और कॉस इनवर्स एक्स में आता है 0 से लेके पाई तक। तो 0 से लेके पाई उससे वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपके पास 2 cos inverse x का आउटपुट ही 0 से लेके 2π होगा। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स और ऐड करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या बनेगा, -π/2 से लेके π/2 + 2π, ये आपकी रेंज आनी चाहिए। लेकिन रेंज तो लिखा 0 से π, इसका मतलब स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसी से आपके बहुत सारे ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाएंगे। रीजन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज साइन इनवर्स एक्स एज दिस, तो प्रिंसिपल ब्रांच बिल्कुल करेक्ट है, -π/2 से लेके π/2 होता है, क्लोज इंटरवल होता है, इसका मतलब ये सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी होगा, है ना। थोड़ा देख लेना कौन सा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन असम्पशन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल टू ए लाइन थ्रू दिस। ओके, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करो। लाइन आर इक्वल्स टू दिस एंड आर इक्वल्स टू दिस आर पैरेलल इफ b1.b2=0। दिस इज रॉन्ग। b1.b2=0 व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लेकिन यहां क्या देखा, पैरेलल, तो रीजन आपका गलत हो गया, तो इससे कुछ ऑप्शन तो आपके पास वैसे एक्सक्लूड हो गए। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, पैरेलल लाइन के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका dr निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो निकाल रहा हूँ, और डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो 4 - 2 क्या हुआ, 2 हुआ, 7 - 3 कितना हुआ, 4 हुआ, 8 - 4 कितना हुआ, 4 हुआ, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो ही आ रहा है। दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, वो आपके पास आएगा -1 - 1 विच इज -2, -2 में से -2 और गया तो -4, 1 में से 5 गया तो -4। तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो इन डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो है वो रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है इसका मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो स्टेटमेंट ये तो आपका करेक्ट हो गया, लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये आपके पास एमसीक्यू थे, बाकी के एमसीक्यू और जो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।